दिनों की झंझट खत्म। छोटे देखो, मैंने आज पैसे छापने वाली मशीन को बना लिया है। अच्छा ठीक, छोटी रुको, मैं बनाती हूँ। देखो ऐसे बनाते हैं, पहले 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और 8 सेंटीमीटर। हमारी जो 10 सेंटीमीटर है वो हमारी लेंथ है, इनको हम कट करेंगे। ये देखिए हम कट कर रहे हैं। जो 10 सेंटीमीटर मैंने बोला लेंथ है, मैंने लिख भी दिया अब यहाँ पे। अब जो लेंथ लिखा है वो सब कट ही हो जाएगा, खाली ये मुझे लाइन कट करनी है। देखिए मैं यहाँ पे कट कर ली हूँ, मैंने एक पार्ट कट कर लिया है। अब सेकंड दूसरा भी इसका इसी प्रकार से हम कट कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं हम कट कर रहे हैं। अब नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। देखिए मैंने इसे कट कर लिया। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल शेप का इसे इसका जो शेप है हम उसे इसका शेप दे देंगे, है ना। सो देखिए गाइस मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ, देख सकते हैं आप, मैंने दोनों कट कर लिए हैं। अब हमें खाली कार्डबोर्ड की एक की और ज़रूरत है। क्या हमने वो बताया था, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर की लंबाई, वो हमने कट कर ली है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब इनको हम इस प्रकार से इनको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए दो, इनके आसपास ना हमें खम्भे खड़े करने हैं। खम्भे खड़े नहीं, देखिए मैं मशीन बना रही हूँ तो खम्भे खड़े नहीं। और आपको बताऊँ कि आप इससे छोटे छोटे बच्चों को उल्लू बना सकते हैं। इसमें बताऊं कैसे, यह आपको मशीन बन जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आप ऐसे बना सकते हैं, ये ना पूरा मैजिक लगता है। इधर से कागज़ डालो, उधर से नोट निकले, लगता है ना, इसीलिए। तो हमें यहाँ पे किसी को उल्लू नहीं बनाना है हम, लेकिन अपने भाई को बना दिया हमने उल्लू और छोटी को भी बना दिया उल्लू। देखिए इनको हम अच्छी तरीके से पेस्ट कर देंगे। हमने इधर साइड से भी इनमें ना दो दो होल बराबर बराबर के कर लेने हैं, दो इस वाली साइड से और दोनों में पेन आए, दोनों में पेन अटैच या स्टिक लगा सकते हैं आप, कुछ भी लगा सके, इतना ही हो लेकिन इतना ही बड़ा इतना ही। तो देखिए हमने इसमें ये लगा दिए हैं, मेरी ग्लू अच्छे से काम नहीं कर रही थी इसलिए। देखिए अब आप पेन लगाएंगे ना तो अपने आप पेन ही इस पूरे मशीन को अपने दम पर खड़ा कर देगी। ग्लू मेरी काम बिल्कुल नहीं कर रही थी यहाँ पे, देखिए अब थोड़ा थोड़ा उसने काम किया है, अब अच्छे से चिपक गई। अब हमें बस थोड़ी सी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत, पेपर की। तो पेपर हमने यहाँ पे ले लिया है, इसको हम टेप की हेल्प से चिपका देंगे और जो हमारा ये ऊपर वाला ब्लैक पेन है ना इसको घुमाएंगे तो ये एकदम रोल हो जाएगी। तो इसमें से हम थोड़ा सा इसको कट कर देंगे, ये देखिए हमने कट कर दिया है। अब हम इसे नीचे वाले पेन में उधर साइड से लगाएंगे, देखिए जिधर को गया है ना उधर ही को लगाएंगे। हमने यहाँ पे टेप कट कर लिया है, अब टेप को हम लगा देंगे। ये देखिए घुमा के ही लगा दे रही हूँ, घुमा के ज़्यादा आसानी रहती। ये देखिए मैंने इस पे टेप लगा दिया है और अब इस पे हम नीचे पैन में चिपका देंगे इसको। सो आप देख सकते हैं, देखिए मेरी मशीन बिल्कुल, देखिए मेरी ग्लू काम नहीं कर रही थी बिल्कुल, देखिए इसके नीचे का पार्ट हट गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारी मशीन फिर भी चलेगी, अच्छी चलेगी, इट्स नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। देखिए हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब बस मशीन चलाने की बारी है क्या। तो अब मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है, कागज़ जिस पे हमने 100 रुपये 100 लिखा और रुपए का साइन। तो दीदी इससे क्या हम पैसे निकाल सकते हैं घर बैठकर? हाँ छोटी, जब हम पैसे इसमें डालेंगे तो हम घर पे निकाल भी सकते हैं। तो देखो मैंने छोटे इसमें ये 100 रुपये लिखकर इसमें डाल लिया है, लेकिन हम अगर इसे पहले ही डाल देंगे तो हम इसमें 100 रुपये का नोट डालेंगे तो ये नोट कागज़ में बदलता हुआ दिखेगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं डालना। दीदी दीदी आप तो मुझसे झूठ बोला।
देखो छुट्टी, मैंने बता दिया था अगर हमारे पास पैसे होंगे जभी हम इससे निकाल सकते हैं। देखिए मैंने इसमें पहले ऊपर वाला पेन चलाया और इसने अंदर 100 का नोट डाल दिया है। अब मैं इसमें 100 रुपए लिखकर इसमें डालती हूँ। देखिए अब उधर से नोट बदलते हुए छपते हुए दिखेगा। आप छोटी देख रही हो, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। ये लग रहा मैजिक हो रहा हो। देखो तो ये मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें 100 रुपए का और डाल सकते हैं। 100 रुपए का हमने और डाल लिया है और इसमें हमने एक और नोट निकाल लिया है। अब देखो इसमें 50 रुपए, 50 का भी हम निकालेंगे। तो हमने 50 का इसमें नोट पहले ही से डाल दिया था। अब 50 का हम दोबारा से निकाल रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।